स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। आंसर ए उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन: उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना व अन्य शामिल हैं। अगला प्रश्न: अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है? ए यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो, बी संयुक्त अरब अमीरात में एक लग्जरी होटल श्रृंखला, सी मध्य पूर्वी गंतव्यों पर केंद्रित एक लोकप्रिय यात्रा ब्लॉग, डी दुबई में एक स्थायी पर्यटन पहल। आंसर ए यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो। एक्सप्लेनेशन: अरेबियन ट्रैवल मार्केट एटीएम 6 से 9 मई 2024 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर DWTC में हुआ। यह एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शो है जो यात्रा पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं और दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न: यूरोपीय संघ ने किस देश में आर्थिक संकट के बीच एक अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ए फिलिस्तीन, बी लेबनन, सी अफगानिस्तान, डी यूनान। आंसर बी लेबनन। एक्सप्लेनेशन: यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक यात्रा के दौरान लेबनन के लिए एक अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की। ये सहायता पैकेज लेबनन के लिए तीव्र आर्थिक संकट, प्रवासी संकट और चल रही सीमा झड़पों के बीच निर्धारित किया गया है। इस सहायता का उद्देश्य लेबनन में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न: IPL इतिहास में 150 कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी हार्दिक पांड्या, सी MS धोनी, डी विराट कोहली। आंसर सी MS धोनी। एक्सप्लेनेशन: IPL 2024 के 53वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी IPL इतिहास में 150 कैच लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने पंजाब के खिलाफ जितेश शर्मा का कैच लिया और इस खास मुकाम तक पहुंचे। अगला प्रश्न: आगामी T20 2024 विश्व कप में मैच रेफरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ए अनिल कुंबले, बी रवि शास्त्री, सी हरभजन सिंह, डी जवागल श्रीनाथ। आंसर डी जवागल श्रीनाथ। एक्सप्लेनेशन: T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अंपायरों और मैच रेफरी की लिस्ट जारी हो गई है। ICC ने इसके लिए 3 भारतीयों को चुना है। अंपायर नितिन मेनन और जयरमन मदनगोपाल के साथ ICC मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ T20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 मई, बी 8 मई, सी 9 मई, डी 10 मई। आंसर बी 8 मई। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती है। हेनरी डुनेंट इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। आंसर ए असम। एक्सप्लेनेशन: 7 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदाता मतदान लगभग 64.58% था। असम में सबसे अधिक 81.61% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 53.95% मतदान हुआ। अगला प्रश्न: हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर डी हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: सीमा सड़क संगठन BRO शिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण शिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। ये निम्यू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। शिंकुला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न: हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी असम। आंसर सी मणिपुर। एक्सप्लेनेशन: मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया।
इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। पुस्तकालय, कंप्यूटर और खेल सामग्री से सुसज्जित स्कूल बस एक शिक्षक के साथ विभिन्न शिविरों का दौरा करेगी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 7 मई, बी 8 मई, सी 9 मई, डी 10 मई। आंसर बी 8 मई। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की स्थापना साल 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक पेनोस एंग्लिजोस द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए, जिससे 100 से अधिक उड़ानें बाधित हो गईं? ए एयर इंडिया एक्सप्रेस, बी अमीरात, सी विस्तारा, डी इंडिगो। आंसर ए एयर इंडिया एक्सप्रेस। एक्सप्लेनेशन, टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने कथित कुप्रबंधन के विरोध में बुधवार को सामूहिक छुट्टी ले ली। 200 से ज्यादा कर्मचारियों के एक साथ छुट्टी लेने से कंपनी की उड़ानों के परिचालन पर गंभीर असर पड़ा और कंपनी को 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। अगला प्रश्न, नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए बाम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया? ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय सेना, डी भारतीय तटरक्षक। आंसर बी भारतीय वायुसेना। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड के नैनीताल के निकट पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में 20 अप्रैल 2024 को लगी आग जंगल के 48,738.29 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैल गई है। भीषण जंगल की आग के जवाब में भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों द्वारा बाम्बी बकेट ऑपरेशन चलाकर बहुत जरूरी राहत प्रदान की। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बाम्बी बकेट के जरिए टेहरी झील से पानी उठाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न, मोम से संचालित रॉकेट SR-75 कहां लॉन्च किया गया है? ए चीन, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, जर्मन कंपनी हाइम्पल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोम से संचालित रॉकेट SR-75 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पैराफिन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला SR-75 250 किलोग्राम के उपग्रह को 250 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है, जो एक सस्ती उपग्रह प्रक्षेपण पद्धति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी अगस्त 2024 से पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है? ए वोडाफोन आइडिया, बी जियो, सी एयरटेल, डी BSNL। आंसर डी BSNL। एक्सप्लेनेशन, सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4G सेवाएं देश भर में शुरू कर देगी। BSNL के अधिकारियों ने 4G नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड MBPS की अधिकतम गति दर्ज करने का दावा किया है। अगला प्रश्न, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अभिषेक कपूर, बी अजय कुमार सिन्हा, सी संजीव नौटियाल, डी अभिनव सैनी। आंसर सी संजीव नौटियाल। एक्सप्लेनेशन, RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में संजीव नौटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक हैं और विभिन्न संगठनों में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, एम्बर रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन जाएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 को बिजली उत्पादन पर दुनिया के पहले खुले डेटा सेट के साथ जारी किया गया, जिसमें 92% वैश्विक बिजली मांग का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 देशों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? ए बजरंग पुनिया, बी जितेंद्र कुमार, सी विजय दहिया, डी दीपक कुमार। आंसर ए बजरंग पुनिया। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती UWW ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने बजरंग की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की मंजूरी किए है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है?
ए मलेशिया, बी वियतनाम, सी फ्रांस, डी श्रीलंका। आंसर डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। ये योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ए ईरान, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। आंसर बी मालदीव। एक्सप्लेनेशन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनिया विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लिखित चार धाम यात्रा का हिस्सा है? ए महाबलीपुरम, अमरनाथ, सोमनाथ और बद्रीनाथ, बी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, सी तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी और केदारनाथ, डी रामेश्वरम, द्वारका, पुरी और केदारनाथ। आंसर बी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। एक्सप्लेनेशन, सर्दियों के दौरान 6 महीने बंद रहने के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई 2024 को फिर से खुल रहे हैं। चार धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किस देश के प्रयास का समर्थन किया? ए फिलिस्तीन, बी वेटिकन सिटी, सी भूटान, डी उत्तर कोरिया। आंसर ए फिलिस्तीन। एक्सप्लेनेशन, 193 सदस्यीय महासभा की बैठक में फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। भारत ने फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने के मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ये प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात की ओर से पेश किया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में 143 वोट पड़े, विपक्ष में 9 वोट पड़े और 25 अनुपस्थित रहे। अगला प्रश्न, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ए पोलैंड, बी यूक्रेन, सी रूस, डी हंगरी। आंसर बी यूक्रेन। एक्सप्लेनेशन, यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। देश में सैन्य कर्मियों की अत्यधिक आवश्यकता के बीच यूक्रेन की संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। विधेयक के तहत सेना में भागीदारी स्वैच्छिक होगी और विशिष्ट कैदी श्रेणियों तक सीमित होगी। अगला प्रश्न, मई 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? ए मेटा, बी सैमसंग, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। आंसर सी गूगल। एक्सप्लेनेशन, 8 मई को गूगल ने भारत में एंड्रॉइड उपकरणों के लिए एक स्टैंडअलोन ऐप गूगल वॉलेट की घोषणा की। इस एप्लीकेशन के तहत उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे लॉयल्टी कार्ड, ट्रांजिट पास, आईडी और बहुत कुछ सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की अनुमति है। शुरुआत में ऐप शुरू करने के लिए गूगल ने वॉलेट के रोल आउट के लिए PVR और आईनॉक्स, एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोची मेट्रो और अभिबस सहित 20 से अधिक ब्रांडों के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी मॉरिशस। आंसर डी मॉरिशस। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से मॉरिशस को चावल निर्यात करने की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न, स्कूलों से स्टार्टअप तक नवप्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना 2024 में किस दिन का विषय है? ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बी राष्ट्रीय छात्र दिवस, सी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, डी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आंसर ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। एक्सप्लेनेशन, हर साल भारत अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक के रूप में मनाने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश के युवाओं को प्रेरित करना और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये देश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भारत की सफलता का प्रतीक है। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
इस साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का विषय है स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली सौर तूफान का कारण क्या था? ए कोरोनल मास इजेक्शन CME, बी सौर ज्वालाएं, सी सूर्य ग्रहण, डी चंद्र ग्रहण। आंसर ए कोरोनल मास इजेक्शन CME। एक्सप्लेनेशन, 10 मई की रात को एक असामान्य रूप से शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया जिससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक आकाशीय रोशनी दिखाई देने लगी। सौर तूफान पृथ्वी के संचार नेटवर्क, उपग्रहों और बिजली ग्रिडों में संभावित व्यवधान का खतरा पैदा करता है क्योंकि यह सप्ताहांत तक जारी रहेगा। सूर्य 11 वर्षीय चक्र के चरम के करीब है जिसके परिणाम स्वरूप सौर गतिविधि में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, मई 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ए आर प्रज्ञानानंद, बी मैग्नस कार्लसन, सी अर्जुन एरिगेसी, डी वे ही। आंसर बी मैग्नस कार्लसन। एक्सप्लेनेशन, मैग्नस कार्लसन ने 12 मई 2024 को लगातार सभी 9 अन्य खिलाड़ियों को हराकर वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड प्रतियोगिता में जीत हासिल की। वहीं भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मई को एक मैच में मैग्नस कार्लसन को हराते हुए चौथे स्थान पर रहे। ये टूर्नामेंट ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है। अगला प्रश्न, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? ए मई में पहला रविवार, बी मई में दूसरा रविवार, सी मई में तीसरा रविवार, डी मई में चौथा रविवार। आंसर बी मई में दूसरा रविवार। एक्सप्लेनेशन, मातृ दिवस दुनिया भर के विभिन्न देशों में माताओं और मातृतुल्यों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर है। मदर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिकन महिला एना जॉर्विस ने की थी, हालांकि मातृत्व दिवस को मनाने की शुरुआत औपचारिक रूप से 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अमेरिकी संसद में कानून पास करके हर साल मई के महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने का फैसला लिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ए हरियाणा, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी गुजरात। आंसर सी मेघालय। एक्सप्लेनेशन, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथो, 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर शेखतकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर डी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया में विदेशी कामगारों के लिए वीजा 457 रद्द करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 9 मई को नागरिकता कानून भी सख्त कर दिए। नागरिकता आवेदन से पहले ऑस्ट्रेलिया में 4 साल रहना जरूरी होगा। आपराधिक मामलों आदि की पुलिस द्वारा गहन छानबीन, नागरिकता परीक्षा में 3 बार विफल रहने पर 2 साल परीक्षा नहीं दे सकेंगे। परीक्षा में ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से जुड़े सवाल प्रमुख होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के साथ चरण 4 तक अपने राज्य विधानसभा के लिए मतदान पूरा कर लिया था? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आंसर ए आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, 13 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के 4th चरण में मतदान प्रतिशत 67.71% दर्ज किया गया। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। अगला प्रश्न, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ए कोलंबो का बंदरगाह, बी चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, सी चटगांव बंदरगाह, डी कराची का बंदरगाह। आंसर चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन, भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक छोटा व्यापार मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए जापान, बी चीन, सी नीदरलैंड, डी USA। आंसर सी नीदरलैंड। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडम, नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है।
भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ए मोइन अली, बी आदिल रशीद, सी जोस बटलर, डी जेम्स एंडरसन। आंसर, डी जेम्स एंडरसन। एक्सप्लेनेशन, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। जुलाई में 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। वहीं जिमी के नाम वनडे में 269 विकेट दर्ज है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए लकपा शेरपा, बी कामी रीता शेरपा, सी पासंग दावा शेरपा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर, बी कामी रीता शेरपा। एक्सप्लेनेशन, कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। वह पहली बार 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले वसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट जारी किए हैं।